राधे राधे सभी को, हरे कृष्ण चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए कान्हा जी की एक और वीडियो लेके आ चुके हैं। आज की जो वीडियो है वो है रात की दिनचर्या, कि कान्हा जी को हम रात को कैसे सुलाएं, उनकी कैसी सेवा करें। आगे आप देखेंगे कि कान्हा जी के लिए सोने से पहले कान्हा जी को हल्के वस्त्र पहनाने चाहिए और उनको पानी ज़रूर पिलाना चाहिए। कान्हा जी को हम पानी पिला रहे हैं, सोने से पहले उन्हें पानी ज़रूर पिलाना चाहिए। भाई ये अपनी मन की बात होती है, भाव होने चाहिए। कई लोग ऐसे भी सुला देते हैं और कई लोग सोने से पहले कान्हा जी की सेवा करते हैं। ऐसे सर्दियों में तेल की मालिश करते हैं सरसों की, और गर्मियों में इत्र की मालिश करते हैं। भाव होता है, इसी बहाने से हम कान्हा जी के पास बैठ जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। सुकून मिलता है, थोड़ा चैन मिलता है। तो अब आप देखेंगे, हमने जैसे गर्मियाँ चल रही है तो हमने कान्हा जी की इत्र की सेवा शुरू कर दी है। मैंने कान्हा जी के नीचे तकिया लगा दिया ताकि कान्हा जी आराम से बैठ सके, और फिर मैं उनको हल्के हल्के हाथों से उनकी मालिश करूँगी। देखो मेरे कान्हा जी कितने खुश हो रहे हैं अपनी सेवा कराकर। थोड़ा थोड़ा हम इत्र लेंगे और कान्हा जी की मालिश करेंगे। कान्हा जी को इत्र जो है गर्मियों में ठंडक पहुंचाता है, उन्हें शीतलता प्रदान करता है। गर्मियों में हमें जितना हो सके कान्हा जी को ठंडे ठंडे, जैसे सुबह शरबत, ठंडा दूध या मैंगो शेक वगैरह जो भी हम बनाते हैं, कान्हा जी को हमें अवश्य ही देने चाहिए। उनको भोग लगाना चाहिए, उनको भी गर्मी होती है, शीतलता मिलती है। वैसे बोल दे कि भगवान को गर्मी नहीं लगती, लेकिन वो अपने भाव की बात हो जाती है। कान्हा जी भी मालिश करवा के बहुत ही खुश हो रहे हैं। पहले उनकी हाथों पे मालिश करेंगे, फिर उनकी पैरों पे। और कान्हा जी मतलब जैसे पूरे दिन अपने सिंहासन पर बैठे रहते हैं तो थक जाते हैं, तो शाम को बस हम उन्हें हल्की हल्की सी उनकी मालिश कर देते हैं। उन्हें भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है कान्हा जी के पास बैठना। बस मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है थोड़ा सा सेवा करके कान्हा जी की। और गर्मियों में हमें कान्हा जी को हल्के वस्त्र ही पहनाने चाहिए। जैसे पूरा दिन तो वो हैवी श्रृंगारी करते हैं, जैसे बाजूबंद है, हार है, जो भी हम उनको पहना के रखते हैं, रात को हमें सब उतार देना चाहिए और उनको रात को हल्के वस्त्र पहनाने चाहिए। मैं उन्हें कॉटन के ही वस्त्र पहनाती हूँ, और जो वस्त्र होते हैं मैं कान्हा जी की खुद ही बनाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कान्हा जी के लिए, मतलब जो भी हो, या उनके लिए माला बनाना हो या उनके लिए वस्त्र बनाना हो, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अब हमारे कान्हा जी की इत्र की जो सेवा वो हो चुकी है, अब उन्हें हम वस्त्र पहना देंगे। ये जो वस्त्र है बहुत ही हल्का वस्त्र कॉटन का है, कान्हा जी को इनमें बहुत सुकून से सो सकेंगे। आइए अब हम कान्हा जी के बिस्तर तैयार कर देते हैं। गर्मियों के लिए जो कान्हा जी का जो बिस्तर होता है वो भी कॉटन का ही होना चाहिए। ये मैंने खुद ही बनाया है कॉटन का, कॉटन के नीचे बिछाने का, और कॉटन की ही उनकी चादर होनी चाहिए। कान्हा जी का बिस्तर लग चुका है, मैंने तकिया भी रख दिया है, और जैसे गर्मी में मच्छर बहुत हो जाते हैं तो मैं ही कान्हा जी के लिए मच्छरदानी लेके आई थी गर्मियों के लिए, उन्हें बहुत ही, ताकि उन्हें मच्छर ना काटे। आइए आप सभी कान्हा जी के दर्शन कर लीजिए। अब कान्हा जी को मैंने आराम से बिठा दिया है। अब मैं कान्हा जी को पानी तो मैंने पहले पिला ही दिया था, और फिर मैंने इनकी इत्र सेवा भी कर दी थी। अब मैं सोने से पहले कान्हा जी को दूध पिला देती हूँ। ये ठंडा ठंडा दूध है, कान्हा जी को, कान्हा जी बहुत खुश होते हैं ठंडा ठंडा दूध पी के, और कान्हा जी बहुत खुशी खुशी दूध का भोग लगाते हैं। कान्हा जी को हमने दूध पिला दिया है, अब हम कान्हा जी की थोड़ी सी देर उनकी सेवा करेंगे, उनके थोड़े और पैर दबाएंगे और फिर कान्हा जी को सुला देंगे। कान्हा जी को दूध मैंने पिला दिया है, अब मैं उनका मुंह पोंछ दूंगी कॉटन के कपड़े से। अब कान्हा जी को सुलाने की तैयारी करते हैं। कान्हा जी को अब हम सुलाएंगे, फिर उनके थोड़े पैर दबाएंगे,
कान्हा जी पूरे दिन बैठे बैठे थकावट हो जाते हैं, उनके पैर दबाने से उन्हें बहुत अच्छा लगता है, और जब हम सुलाएंगे तो उनकी तुलसी माला और बांसुरी ज़रूर उनके हम पास रखते हैं। कान्हा जी को तुलसी भी बहुत प्रिय होती है, बांसुरी भी, दोनों चीज़ हम उनके पास रख देंगे। और हाँ, सोने से पहले कान्हा जी के पास पानी रखना ना भूले, पानी तो हमें ज़रूर रखना है। जैसे हमें रात को प्यास लगती है, ताकि अगर कान्हा जी को प्यास लगे तो वो पानी पी सके। गर्मी में तो हमें अवश्य रखना चाहिए, और जैसे कि गर्मियों के लिए मटका भी आता है छोटा छोटा, वो मैं अपने कान्हा जी के लिए लेके आऊँगी, उसमें पानी ठंडा रहता है। अब हम कान्हा जी के थोड़े पैर और दबाएंगे और उन्हें लोरी सुनाएंगे। सो जा मेरे लल्ला, तुझको लोरी सुनाऊं, सो जा मेरे काना, तुझको लोरी सुनाऊं। सो गए चांद सितारे, सो गए चांद सितारे, तुझको मैं ही सुलाऊं। सो जा मेरे काना, तुझको लोरी सुनाऊं। अपनी यशोदा मैया को क्यों सता रहा, निंदिया से भरी अखियों को क्यों जगा रहा। सो जा मेरे काना, तुझको लोरी सुनाऊं। कान्हा जी सो गए हैं, आप सबको भी शुभ रात्रि। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करना, इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।